हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ 10 की आईएसओ फाइल कैसे डाउनलोड करोगे और अपडेट कैसे करोगे। तो चलिए वीडियो यहां से स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखिए। पहले आ जाएंगे अपने इस स्क्रीन पे और आप यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ से हमने गूगल क्रोम लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे सर्च करोगे विंडोज़ 10 डाउनलोड। ठीक है, आप सर्च करना और यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज आईएसओ फाइल। ठीक है, इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी विंडोज़ 11 विंडोज़ 10 जो भी डाउनलोड करना होगा आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर यहाँ से आपको अपडेट करना हुआ तो आप इसको अपडेट कर सकते हो जो आपके पीसी में इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहाँ से हम डाउनलोड करना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ से डाउनलोड टूल नाउ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक इसकी सेटअप फाइल डाउनलोड हो जाएगी इस तरह। ठीक है, आप इस पर राइट क्लिक करके और शो इन फोल्डर करके आप वहाँ पर आइए और इस सेटअप का इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह गेटिंग फ्यू थिंग रेडी होगा इस तरह। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा जब फर्स्ट टाइम करोगे तो इस तरह। अब यहाँ पे देखो, एक्सेप्ट करने के लिए आप यहाँ से सिंपली एक्सेप्ट कर लोगे और यहाँ से अभी फिर गेटिंग है फिर थिंग रेडी, थोड़ा टाइम लगेगा इस तरह प्रोसेस करने में। ठीक है, तो इसको प्रोसेस होने देते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है अपग्रेड टू पीसी नाउ। अपग्रेड तो नहीं करना हमें, क्रिएट इंस्टॉलेशन यूएसबी ड्राइव या ड्राइव आईएसओ फाइल। ठीक है, आप इस पर क्लिक करना और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लैंग्वेज जो है आपको यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड, ठीक है, एडिशन विंडोज़ 10 का है। ठीक है, और यहाँ से 64 बिट, ठीक है, सॉरी 64 बिट पर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो यूएसबी फ्लैश ड्राइव, मतलब ये क्या करेगा, अगर आपके पास कोई यूएसबी ड्राइव है उसको आप फ्लैश करना चाहते हो तो आप इसमें डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और नीचे है आईएसओ फाइल। ठीक है, यहाँ पे आइए, नीचे है आईएसओ फाइल, इस पर आप नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको उस फाइल का नेम देना होगा जो भी फाइल आप बनाना चाहते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसका नेम दे देते हैं विंडोज़ 10 प्रो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पहले से फाइल बनी हुई है तो यहाँ पे विंडोज़ 10 प्रो कर देते हैं और यहाँ से सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करोगे तो अभी गेटिंग होने लगा फिर, और अब देखो यहाँ से डाउनलोडिंग विंडोज़ 10 प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में डाउनलोड हो जाएगा, कितनी आपकी नेट की स्पीड है। ठीक है, तो इस तरह हम इसको डाउनलोड होने देते हैं। तो ये इस तरह डाउनलोड होगा, अभी देखो 1% नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये कम से कम 5-5.5 GB का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा फास्ट करते हैं।
72% हो गया है। आगे चलो 92, अभी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 100% होने के बाद दिखाते हैं। ये देखो 100% होने के बाद यहाँ पे देखो वेरीफाइंग योर विंडोज होगा, फिर यहाँ से क्रिएटिंग विंडोज टू मीडिया। ठीक है, अब ये प्रोग्रेस लेगा थोड़ा सा, ये भी ले सकता है 4-5 मिनट का प्रोग्रेस ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी होने देते हैं। चौंतीस, नाइन्टी नाइन, अभी देखो 100 हो गया। ठीक है, 100 जैसे होगा अभी आपके सामने। ठीक है, ये देखो 100 हो गया। अब देखो 1 TISO फाइल टू DVD, मतलब ये जो ISO फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, अब इसको आप नेक्स्ट नेक्स्ट या बैक करके आप सेटअप क्लीनिंग बिफोर क्लोज। ठीक है, अब यहाँ से आपका वो सेटअप जो था वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, विंडोज 10 डाउनलोड हो चुका है। अब आप देखना चाहते हो, आइए अपने फाइल पे। ठीक है, यहाँ पे आप फाइल में आइए, और यहाँ पे क्या था, हमने विंडोज 10 प्रो दिया था ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे विंडोज 10 प्रो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये है, और यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो या राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। ठीक है, कि ये कितने MB का है, कितना जो है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका जो भी विंडोज 10 था वो सिंपली डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस, आप प्लीज़ इसी तरह सिंपली विंडोज 10 को डाउनलोड कर सकते हो, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे।